मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो अवसर हमें दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए भजन संहिता 7 उसका 11 से 13 तक हम पढ़ें। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। हम जब इस भजन संहिता को मनन कर रहे हैं, आश्चर्य होता है जब हम पुराने नियम के संतों की विश्वास को जब हम देखते हैं, लगता है हमसे भी कहीं अधिक वो परमेश्वर का ज्ञान रखते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो परमेश्वर का ज्ञान है बहुतों के लिए, उनका ज्ञान आजकल के प्रचार जो सुनते हैं उसमें सीमित है, या तो फिर आश्चर्य काम कुछ वो जो अनुभव करते हैं उतने में सीमित है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपना जीविता वचन हमें दिया है लिखित रूप में, लेकिन हमें से कितने हैं जो समय निकालकर वचन को मनन करते हैं? वचन ना मनन करने के कारण उसका असर हमारे आत्मिक जीवन में दिखता है। सूखा जीवन है, वो मसीह जीवन का आनंद या वो ताजगी अनुभव नहीं करते हैं। हम दूसरों की प्रार्थनाओं पर आश्रित हैं, और जब कोई कहे कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमें बड़ी तसल्ली होती है, हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध बनाने में हम उतना रुचि रखते नहीं हैं। परमेश्वर का जीवता सच्चा वचन बाइबल, वो हमें परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करता है, जो सारी सृष्टि का बनाने वाला उसमें आप और मैं भी हैं। ये परमेश्वर पवित्र है और पाप से नफरत करता है। परमेश्वर अन्याय और दुष्टता से घृणा करता है। परमेश्वर अपनी सृष्टि को प्रेम करता है, मनुष्य की चिंता करता है, जिसे उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर से बलवा किया, फिर भी परमेश्वर ने उसे सारी खूबियां दे रखी है ताकि वो पृथ्वी में अपना जीवन बसर कर सके। मनुष्य अपने विवेक की आवाज को ध्यान ना दे तो भी परमेश्वर बार बार उसे अवसर देता है, उसके जीवन में हस्तक्षेप करता है ताकि वो मन फिराए, अपने दुष्ट मार्ग से हटे। लेकिन अगर मनुष्य फिर भी पाप का मजा ले, दुष्टता को प्यार करे, अपने सुख के पीछे भागे, तो परमेश्वर का सजा फिर उस मनुष्य पर गिरता है जिस पर वो परमेश्वर का न्याय पूरा होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमी पिता है, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता कभी भी पाप को सहन नहीं कर सकती। इसीलिए हम देखते हैं वचन में, जब मनुष्य को बनाया उससे पहले ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का न्याय किया जिन्होंने पाप किया था। और वचन में हम देखते हैं कैसे बलवा किए हुए कई स्वर्गदूत आज भी यातना के स्थान पर यातनाओं को सह रहे हैं। परमेश्वर ने नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है। अगर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा, न्यायी परमेश्वर अपना दैवीय स्वभाव को त्याग कर मनुष्य के पाप में स्वभाव को स्वीकार नहीं कर सकता। हमने जो पढ़े हुए वचन में हमने देखा है परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपने तलवार पर शान चढ़ाएगा। एक व्यक्ति धर्मी कब होता है? जब वो परमेश्वर के मार्ग में चलता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर एक धर्मी के च,
चाल चलन को ध्यान देता है। वचन में लिखा है धर्मी, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। वो धर्मी का भी न्याय करता है, उसके चाल चलन को देखता है, उसके जीवन में ताड़नाएं देता है ताकि वो परमेश्वर के उस कद तक बढ़े। लेकिन दुष्ट से तो परमेश्वर प्रतिदिन घृणा करता है। अपने दैवीय धीरज से परमेश्वर मनुष्य को अवसर देता है ताकि वो मन फिराए, ताकि परमेश्वर के सजा से बच जाए। और परमेश्वर का चेतावनी है, अगर वो ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है। आइए हम परमेश्वर को भय और भक्ति से परमेश्वर की उपासना करें। वचन में हम आगे पढ़ते हैं, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिया है। कामते हुए हम इस नए जीवन में प्रभु की महिमा के लिए जिए। हम क्रूस के प्रभु के मृत्यु के बाद के लोग हैं। हम परमेश्वर के सजा से कैसे बचें अगर हम पाप का आलिंगन करें और इस बहुमूल्य उद्धार को हम तुच्छ समझें जो परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा दान में हमें दिया। ये क्रूस परमेश्वर के पाप के ऊपर के भयानक क्रोध के और हमारे बीच में खड़ा है। मसीह यीशु हमारे लिए पाप बना, दैवीय सजा उठा लिया। आइए मसीह यीशु के खून को हम तुच्छ ना समझें, उसको अपने पैरों तले ना रौंदें और पुराने रास्ते में जाकर पाप का आनंद ना लें। दुष्टों के बीच में हम गिने ना जाएं। अगर पुराने नियम के संतों के बलियों की परवाह ना करते हुए अगर परमेश्वर ने दुष्टों को सजा दिया जो पाप में आनंद करते थे, तो क्या हमारी प्रार्थनाएं, क्या हमारी भक्ति परमेश्वर के उस कोप से हमें बचा पाएगा? हम अपने आप को मूर्ख ना बनाए ये सोचते हुए कि हमारे रोने धोने से, अच्छे कर्मों से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, ना ही प्रभु का वचन कभी बदलता है। अनंत काल तक हमेशा एक सा है। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो धर्मी और न्यायी है, जो मनुष्य के हृदय और विचारों को जांचता है और सही तरीके से उनका न्याय करता है। सो आइए इन दिनों में डरते कामते हुए अपने उद्धार का काम हम पूरा करें। उद्धार का काम पूरा करने का मतलब, परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाया, उसके बंधन से छुड़ाया, और ये छुटकारा जो हमें मसीह यीशु के द्वारा मिला है हमारे जीवन में प्रतिदिन दिखे। पवित्रता की वो दिव्य खूबसूरती हमारे जीवन में दिखे। जो चमत्कार, जो आशीष हमने यीशु के नाम में पाया, वो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के नजरों में ज्यादा मायने नहीं रखते। प्रभु यीशु ने क्रूस की वेदना को क्यों सहा? ताकि हम पाप के बंधन से आजाद हों और वो देवीय सजा से हम बच जाएं जो दुष्टों के लिए इंतजार कर रहा है। सो आइए डरते कामते प्रभु की उपासना करें, पाप को हल्का ना लें और अपने ऊपर न्याय या दंड ना लाएं। परमेश्वर की सहनशीलता का हम मजाक ना उठाएं। बलवा करने वालों के लिए अनंत काल का नरक इंतजार कर रहा है। परमेश्वर हम एक एक को वो समझ दे ताकि हम इस अनंत काल के जीवन की कीमत को समझें जो मसीह यीशु के द्वारा हमें मिला है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। जब आपका आगमन नजदीक है प्रभु, इन दिनों में आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर, आपको प्यार करने के लिए, आपके पवित्रताई को प्यार करने के लिए, धार्मिकता को प्यार करने के लिए। हम एक एक को मदद कर, जो काम आपने हमारे जीवन में शुरू किया प्रभु, उद्धार का काम हमारे जीवन में पूरा हो, ताकि आपके द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा महिमा हो सके।
हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते प्रभु, सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे, हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है, माराना था।